गोपाल राय जी ने उस विषय को संबोधित किया और वो हमारे ट्विटर चौपाल की चर्चा कर रहे थे। एक तो मैं बड़ी खुशी व्यक्त करना चाहता हूं कि ट्विटर चौपाल इतना हिट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के कान में, आंख में, नाक में, मुंह में, चारों तरफ बस ट्विटर चौपाल ही ट्विटर चौपाल ट्विटर चौपाल छाया हुआ है। हम नई नई चीजों को करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि गोपाल राय जी हमसे कुछ कागज वागज लड़ा रहे थे। मैं आज भी गोपाल राय जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने नेता को समझाइए कि हम लोगों ने 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया हुआ है जो सिर्फ देश के 2 राज्यों में नहीं है, दिल्ली में और ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में। तो इस 5 लाख के इलाज को तुरंत लागू करवा दीजिए। और आपको एक बात जानकारी देना चाहता हूं कि कल कोर्ट में गेस्ट टीचर के ऊपर आम आदमी पार्टी को कड़ी फटकार लगी है और यहां तक कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाए। ये बात क्यों कहा? क्योंकि कुछ दिन पहले 44 गेस्ट टीचर ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप इन 44 लोगों को रीइंस्टेट करने के लिए 2 महीना के अंदर कार्रवाई करिए। उन्होंने 2 महीना के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की और बाद में वो सारे लोग निकाल दिए गए। अब आज कोर्ट पूछ रही है कि दिल्ली सरकार, आप लोगों ने, इन 44 लोगों ने जिन्होंने आवेदन किया था इनके साथ, कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने इनके साथ न्याय क्यों नहीं किया? और तब जाकर के दिल्ली सरकार सॉरी सॉरी बोल रही है, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने जा रही है। ऐसा पूछा है कि क्यों ना आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो। मैं 22,000 गेस्ट टीचर्स को ये सूचना देना चाहता हूं कि आपके सामने यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार अगर 44 लोगों को रीइंस्टेट कर देती तो आज 22,000 लोग उस कोर्ट आदेश के आधार पर रीइंस्टेट हो जाते, उनकी जॉब गारंटी, उनका नौकरी बच जाता। आप बताओ, इतना बड़ा झूठ कहना कि पूरे राज्य का दर्जा कोर्ट में गया ही नहीं। अगर इतना बड़ा वो झूठ बोलते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा गया ही नहीं, तो फिर इन झूठों पे एक और मोहर लगे, एक और ताज लग रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उनको भी बोलना चाहता हूँ, माननीय गोपाल राय जी, आप जो कागज दिखा रहे हैं आप उस पे उसी को पढ़िए, उसको फॉलो करिए। फिर भारतीय जनता पार्टी कल भी कहती है समीक्षा होना चाहिए, आज भी करे समीक्षा होना चाहिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं बात कर रहे कि दिल्ली को साफ पानी कैसे मिलेगा? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे दिल्ली को ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे कि दिल्ली में अस्पतालों में 5 लाख का इलाज क्यों नहीं आप शुरू कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे कि दिल्ली के गरीबों को 10% का आरक्षण आपने रोक कर दिया है? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे हो कि दिल्ली पॉल्यूटेड नंबर 1 सिटी हो गई है? कैसे इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? दिल्ली में गलियों में जाइए, सीवर नहीं है, बजा रहे हैं। आप इस पर किसी पे एक, आप नए स्कूल नहीं बनवा रहे हो, वाईफाई के लिए मैं रोज मोबाइल हिलाता हूँ 4 बार ऐसे ऐसे निकल के, सीसीटीवी हम लगा रहे, आप लगा दे रहे हो, इन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भागो मत, दिल्ली की जनता है आपको इन मुद्दों पे ढूंढ रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है, आप दूर दूर मत बात करो। अरविंद केजरीवाल जी को बोलो, उनकी पार्टी का प्रमुख हो, अपनी पार्टी का प्रमुख में चले आते हैं, किसी दिन रामलीला मैदान में बात करो। थैंक यू वेरी मच।